हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ मनोज वर्मा और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि सेंको की एपीआई कैसे कनेक्ट करते हैं और इस पे कैसे ऑर्डर डालते हैं। तो काफ़ी डिमांड हो रही थी सेंको की, कि काफ़ी लोग थे जो सेंको पे काम करना चाहते थे, तो उनके लिए वीडियो है, थोड़ी सी डेप्थ में वीडियो है, ध्यान से देखिएगा जब भी आप काम कर पाओगे। सबसे पहले तो आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट लेवल बॉट पर। ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाके आपको साइनअप करना है। साइनअप करने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर आपका यूज़र नेम शो होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा। जैसे आपके सामने इस तरीके का पेज आएगा, सबसे पहले आपको लेफ्ट में जाना है, एपीआई क्रेडेंशियल है, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपनी एपीआई ऐड करनी है। एपीआई ऐड करने के लिए आप सेंको एपीआई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये बॉक्स आ जाएगा। तो सेंको एपीआई प्रोवाइड नहीं करता, उनका बड़ा सिंपल सा सिस्टम है कि आप उनका आईडी पासवर्ड डालते हो, वही आपकी एपीआई होती है। और एपीआई एक्टिवेट करने के लिए विथिन 5 मिनट लेते हैं। आपको एक डैशबोर्ड दे रखा है, वहाँ जाके आप एक्टिवेट कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए आप सेंको पे कॉल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कैसे एपीआई को एक्टिवेट करते हैं। तो जो आपकी क्लाइंट आईडी होती है आपको यहाँ ऐड करनी होती है, उसके बाद डेट ऑफ ईयर ऑफ बर्थ आपको यहाँ ऐड करना होता है, और सेंको का जो भी आपका पासवर्ड हो यहाँ ऐड करना होता है, उसको फिर सेव करना होता है। सेव करने के बाद आपको ये कुछ तरीके से इस तरीके से शो होगा, जो यहाँ पर मेरे पास शो हो रहा है। तो ये आपकी ऑटोमेटिक एपीआई बन जाती है, वैसे ये अलग से आपको एपीआई प्रोवाइड नहीं करते। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको जब ये ऐड हो जाए, सबसे पहले तो आपके सामने कुछ इस तरीके से शो होगा, आपको इस पर क्लिक करना है, ये एक्टिवेट हो जाएगी। एक्टिवेट होने के बाद आपको इस पर लॉगिन पे क्लिक करके कनेक्ट करना होता है, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। उससे पहले मैं सेंको के पेज पे ले चलता हूँ, मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने अभी इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने काफ़ी सारे ऑर्डर लगाए थे, जो कि एग्जीक्यूट ऑर्डर में आपको यहाँ दिख रहे हैं। काफ़ी सारे ऑर्डर ऑटोमेशन से लगे थे, बट अभी अगर आप पोजीशन में जाओगे तो 0 पोजीशन है, क्वांटिटी में कुछ भी नहीं है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि जब आप सेंको की एपीआई को कनेक्ट करते हो तो आपका एक्सचेंज लॉग आउट हो जाता है, जब आप एक्सचेंज को कनेक्ट करते हो तो एपीआई लॉग आउट हो जाती है। ये ओनली फॉर सेंको के अंदर प्रॉब्लम है और किसी भी एक्सचेंज के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, और इसके लिए मैंने इन्हें मेल कर दिया। बट ये कब तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ये इनके हाथ में है। अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना चाहते हो तो आप भी मेल कर दीजिए, जिससे जल्दी से जल्दी इस चीज़ को सॉल्व करें। अभी के लिए क्या करते हैं, हम अपने एपीआई क्रेडेंशियल पे दोबारा से आ जाते हैं। जैसे मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप एक नोटिफिकेशन देखोगे, सक्सेसफुली लॉगिन सक्सेसफुली, इसका मतलब है कि आपकी एपीआई कनेक्ट हो गई। ये डेली आपको ऐसे एपीआई कनेक्ट करनी है जब भी आपके ऑर्डर जाएंगे। तो अब मेरा जो एक्सचेंज है वो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा। जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिएगा ये एक्सपायर हो गया, योर सेशन इज एक्सपायर्ड। इट्स मीन कि जो हमारा सेशन टोकन था वो एक्सपायर कर दिया, ये इनकी साइड से प्रॉब्लम है। अगर मैं अब एक्सचेंज को लॉगिन करूँगा तो एपीआई लॉग आउट हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी कर रहे हो वो इस हिसाब से करना है कि आपको दोबारा से एपीआई कनेक्ट करनी पड़ेगी। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आप इधर जाओगे, सेंको लॉग का पेज दिखेगा, आप इसे ओपन कर लीजिए। तो इसके अंदर जो भी आप ऑर्डर लगाओगे उस ऑर्डर का क्या हुआ है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये देखिए मैंने कुछ ऑर्डर लगाए थे, वो सारे यहाँ पर दिख रहे हैं कि क्वांटिटी में कैसे लग रहा था वगैरह वगैरह। अभी के लिए मैं इसे डिलीट मार देता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा और इसे डिलीट मार दूंगा यहाँ से। तो ये सारे ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा हो गए, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, और मैंने ये डिलीट मारे और ये डिलीट हो जाएंगे। तो जब भी आपको ऑर्डर देखने हैं आपको इसको रिफ्रेश करना होगा, आपको यहाँ ऑर्डर दिख जाएंगे कि आपके ऑर्डर का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये एक अल्टरनेटिव हमने बना रखा है, इसे कंसोल लॉग कहते हैं, एक तरीके से ये लॉग है कि ऑर्डर का क्या हो रहा है। बट ऐसा नहीं है कि आपको ये सारी चीज़ें ऑन रखनी है जब भी आपके ऑर्डर जाएंगे। आप अपने मोबाइल को बंद कर सकते हो, पीसी को शट डाउन कर सकते हो, एक बार आपने एपीआई कनेक्ट कर दी तो आपके ऑर्डर जाते रहेंगे जैसे कि और एक्सचेंज में हो रहा है। कोई आपको वीपीएस लेने की जरूरत नहीं है, कोई आपको क्लाउड लेने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं हम अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट पर। यहाँ पर हम एक स्ट्रैटेजी लगाएंगे, 15 सेकेंड का मैंने टाइम फ्रेम ले रखा है, तो मैं स्ट्रैटेजी को ऑन कर देता हूँ। स्ट्रैटेजी लगाने के बाद इसके अंदर ये टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, और इसके अंदर अब बाय सेल ही शो होगा। ये आइकन एसी के बेस पे एक इंडिकेटर है जिसके अंदर सेकंड रेड पे शॉर्ट और सेकंड ग्रीन पे बाय करता है। तो इस तरीके से काम करता है, 15 सेकंड के टाइम फ्रेम में हमने लगा दिया। अब इसके अंदर बस हमें अलर्ट्स बना के कोड डाल लें। कोड की फाइल आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी, जैसे आपको और एक्सचेंज की फाइल मिलती है कि आप जनरेट कर लेते हो सेंटेक्स, अभी आप उस तरीके से नहीं कर पाओगे, आपको यहाँ से मैन्युअली कॉपी करके पेस्ट करने होंगे। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, ये सेंको के एमआईएस ऑर्डर हैं, ये कवर ऑर्डर हैं, ये ब्रैकेट ऑर्डर हैं,
ये CNC ऑर्डर है डिलीवरी वाले, ये फुल्ली कैंसिल ऑर्डर है, ये एग्जिट ऑर्डर है, उसके बाद फुल्ली ऑटोमेशन कवर और फुल्ली ऑटोमेशन ब्रैकेट। थोड़ा सा और डेप्थ में समझा देता हूँ, अगर आपको कुछ चेंज करना है, एज एग्जाम्पल मैंने बाय डिफॉल्ट SBI लिया है, TS का मतलब होता है ट्रेडिंग सिंबल, आप जो भी लेना चाहते हो उसको कैपिटल में टाइप कर दोगे। फिर ई है, ई का मतलब ई स्कल होता है एक्सचेंज, जो SBI आता है वो NSE के अंदर आता है, तो आप जो भी ऑर्डर जिस भी मार्केट का डाल रहे हो वो एक्सचेंज का आपको डालना पड़ेगा। क्यू स्कल होता है क्वांटिटी, बाय डिफॉल्ट 1 रखी है, आप इसे चेंज कर सकते हो। TT स्कल होता है ट्रांजेक्शन टाइप, बाय डिफॉल्ट बाय है और नीचे सेल है, हर चीज़ के बाय और सेल के कोड बनाए, इसे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी आपको कॉपी करना है वो उस हिसाब से कॉपी कर लीजिए। और उसके बाद है ऑर्डर टाइप, इससे लेके ऑर्डर टाइप से लेके आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, जो भी आपको चेंज करना है सिंबल करना है, अपनी मार्केट करनी है और क्वांटिटी करनी है। अभी के लिए हम क्या करेंगे, हम फुल्ली ऑटोमेशन का कोड उठाएंगे कि पुरानी पोजीशन क्लोज करें और नई पोजीशन ऐड करें, अगर पुरानी पोजीशन है तो क्लोज करें। तो फुल्ली ऑटोमेशन MIS ऑर्डर कुछ यहाँ पर बना, मैं आपको दिखा दूँ, ये बना हुआ सेमी फुल्ली ऑटोमेशन MIS ऑर्डर, उसके बाद कवर ऑर्डर है, उसके बाद ब्रैकेट ऑर्डर है। ये फुल्ली ऑटोमेशन में इट्स मीन कि अगर आपका बाय है और फिर सेल आता है तो आपकी पहले बाय क्लोज होगी और फिर सेल डलेगी। तो हम इस कोड को कॉपी कर लेते हैं पूरे का पूरा इस तरीके से, और कॉपी करने के बाद हम इधर चलते हैं अपने इधर ट्रेडिंग व्यू पे, सबसे पहले अलर्ट्स बना लेते हैं। तो अलर्ट्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर गए इंडिकेटर का नाम ले लेते हैं हम, जो भी इंडिकेटर का नाम है, इधर इसके अंदर अलर्ट्स पहले से मैंने बना रखे। ट्रेडिंग व्यू पे 1500 इंडिकेटर है, अगर आपको ट्रेडिंग व्यू का बेसिक पता है तो आप कोई भी अलर्ट्स इंडिकेटर पे अलर्ट्स बना सकते हो जिनके अंदर अलर्ट्स बन सकते हैं, अगर नहीं बन सकते हो तो आप अपने कस्टम इंडिकेटर भी बना सकते हो, और कुछ हम भी इंडिकेटर प्रोवाइड कर रहे हैं आप उनका भी यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने डेवलप करा है, तो इसके अंदर सारे अलर्ट्स दे रखे हैं, 11 तरीके के अलर्ट्स दे रखे हैं। तो अभी मैं लॉन्ग सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंडिकेटर ये रीपेंट नहीं होता इसलिए मैं वंस पर बार लूंगा, इसका मतलब है कि जितनी बार सिग्नल आएगा लॉन्ग का उतनी बारी मेरी अलर्ट्स आएंगे, और अगर मैंने कोड डाल रखा है तो उतने वाली ऑर्डर जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर वेबुक URL डालना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट टाइम जो आप URL डालते हो वो आपको हमेशा शो होता है। तो वेबुक URL आपको आपके डैशबोर्ड पे मिलेगा, ये रहा तीसरे नंबर पे, आपको इस पे क्लिक करना होता है और कॉपी हो जाता है, उसके बाद आपको यहाँ डालना होता है। उसके बाद आप एज अ रेफरेंस में यहाँ कुछ भी लिख सकते हो A to Z, बट अभी के लिए मैं इधर लिख देता हूँ लॉन्ग और इंटर मार देता हूँ और कोड डाल देता हूँ। ये जो कोड डाला है फुल्ली ऑटोमेशन एक क्वांटिटी का कोड डाला है कि अगर पुरानी पोजीशन है तो उसे क्लोज करें और नई पोजीशन ले। ये मैं अभी क्रिएट करने से पहले दूसरा भी कोड उठा के ले आता हूँ जिससे कि अगर सिग्नल आना शुरू हो जाए तो ज़्यादा टाइम ना लगे। कॉपी कर लिया मैंने, अब मैंने इसे क्रिएट कर दिया, तो मेरा लॉन्ग का सिग्नल मैंने अलर्ट्स बना दिया, ये देख सकते हो आप। अब जो भी अलर्ट्स आएंगे वो यहाँ पर आएंगे। तो अब मैं एक शॉर्ट का भी अलर्ट्स बना देता हूँ, तो इधर गया, फिर से मैंने इंडिकेटर का नाम सेलेक्ट करा, शॉर्ट सेलेक्ट करा, वंस पर बार करा, और इधर जो भी मैं डालना चाहता हूँ शॉर्ट बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है, आप एज अ रेफरेंस इसे डाल सकते हो और इंटर मार सकते हो। इसका जो रेफरेंस है इससे ये मतलब है कि आपको अच्छा, अगर आपके पास बहुत सारे अलर्ट्स बना रखे तो आपको पता चल जाएगा, आपने एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी दे रखी होगी अलर्ट्स को, जिससे आप इजीली समझ जाओगे और उसे एडिट कर सकते हो। एडिट करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना होता है और एडिट कर सकते हो आप। तो अभी हमने दोनों कोड डाल दिए, अब जो भी हमारे ऑर्डर आएंगे हम एक्सचेंज को लॉगिन करेंगे तो हमारी API डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तो हम इसे रिफ्रेश करके देखेंगे कि हाँ ऑर्डर क्या रिस्पॉन्स दे रहा है क्या नहीं दे रहा। तो अभी जो सिग्नल बनेगा वो सबसे पहले शॉर्ट का बनेगा, और शॉर्ट के अंदर हमने कोड डाल रखा है कि पुरानी पोजीशन क्लोज हो जाए और नई पोजीशन डल जाए। तो अभी हमारे पास कोई ओल्ड पोजीशन तो है नहीं, तो इसलिए पुरानी पोजीशन को क्लोज नहीं करेगा, ओनली फॉर नई पोजीशन ऐड कर देगा। तो वेट करते हैं हम सिग्नल आने का, जैसे ही इंडिकेटर काम करता है या हाइकनसी पे काम कर रहा है और सेकंड रेड पे बाय का सिग्नल देगा और सेकंड ग्रीन पे सेकंड रेड पे सेल का सिग्नल देगा और सेकंड ग्रीन पे बाय का सिग्नल देगा। तो हमें वेट करना पड़ेगा, जैसे दो रेड सिग्नल कैंडल आती है, फर्स्ट रेड सेकंड रेड के ओपनिंग पे ही ये सेल का सिग्नल दे देगा। तो थोड़ा सा वेट करते, वीडियो को मैं यहाँ स्किप कर दूंगा, आप चार्ट को देखते रहिए। जैसे कि आप देख सकते हो 15 सेकंड के कैंडल टाइम फ्रेम में एक कैंडल रेड बन गई और दूसरी भी रेड बन गई। तो जैसे रेड बनी तो इनने सेल का सिग्नल दे दिया। तो जैसे सेल का सिग्नल दिया तो आप देख सकते हो यहाँ पर हम अपने एक्सचेंज पे जाएंगे कंसोल लॉग पे, इधर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर हमें एक ऑर्डर दिखेगा। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारा एक ऑर्डर दिख रहा है जिसके अंदर ये बता रहा है SBI को इनने सेल करा है एक क्वांटिटी से। पुरानी पोजीशन इसलिए क्लोज नहीं करी क्योंकि इसके पास पुरानी पोजीशन थी नहीं। तो यहाँ स्टेटस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया ऑर्डर, और ये पूरी आपको डिटेल दिख रही है
सर्वर का टाइम दिख रहा है, ये हमारे सर्वर का टाइम है जो हमने डाटा कैप्चर करा है, ये आपके अलर्ट्स का टाइम नहीं है। तो अभी हमारा हो गया, अब हम ट्रेडिंग व्यू पे देखते हैं, तो उसके बाद बाय भी क्रिएट हो गया है। तो इसके अंदर इनने क्या करा होगा, इस सेल को मैं एक बार इस अलर्ट्स को स्टॉप कर देता हूँ जिससे मैं आपको समझा सकूँ। मैंने अलर्ट्स ऑफ कर दिए। अब इनने करा क्या होगा, जो हमने पहले सेल करा था अब आया है इधर बाय, तो इनने क्या करा होगा, इसने इस पोजीशन को क्लोज करा होगा और यहाँ से नई पोजीशन लॉन्ग की डाल दी होगी। और ये इसलिए डाली है क्योंकि हम फुल्ली ऑटोमेशन कोड यूज़ कर रहे हैं, ओनली बाय और सेल यूज़ नहीं कर रहे। तो अगर हम इधर कैडें इस पे जाएं तो यहाँ पर क्या है कि एक बार ये सेल देखते हैं, रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर ये देखिए दो बार बाय दिखाए, इसका मतलब जो पहले सेल था उससे उसी एक क्वांटिटी को इन्हें बाय करा तो स्क्वेयर ऑफ हो गया, पुरानी पोजीशन क्लोज होगी एंड दोबारा उसे बाय करा जो वहाँ से लॉन्ग चल रही है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ये अपने आप कवर कर रहा है। वैसे दोबारा सेल आएगा तो ये क्या करेगा, उस जो पोजीशन अभी बाय की हमारी खड़ी एक क्वांटिटी की उसे स्क्वेयर ऑफ करेगा और नई पोजीशन डाल देगा सेल की। इस तरीके से पूरे दिन काम करता रहेगा, पीसी ऑन हो या ना हो ये काम करता रहेगा। बट इन करप्ट जब होगा ये, जब हम एक्सचेंज को लॉगिन करेंगे। तो अभी हम एक्सचेंज को लॉगिन करने जा रहे हैं अपना ऑर्डर देखने के लिए। पहले भी मैंने आपको दिखा दिया था, जीरो क्वांटिटी थी। अगर आपने ना देखा हो तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड कर लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। तो मैं लॉगिन कर रहा हूँ, जैसे मैं लॉगिन करूँगा मेरी API डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो ये लॉगिन नहीं हुआ, मैं बैक में चलता हूँ, फिर से लॉगिन करता हूँ। तो ये मैं लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद मैं पोजीशन में जाता हूँ तो यहाँ पर देखोगे जो एक क्वांटिटी है वो मेरी बाय के अंदर खड़ी है। तो ये बाय के अंदर इसलिए खड़ी है बता पा रहा हूँ मैं क्योंकि ये 1 है। अगर ये -1 होता इट्स मीन ये सेल में खड़ा होता। तो अगर हम जाएंगे चार्ट पे अपने कंसोल लॉग में तो लास्ट पोजीशन हमारी बाय की थी, पुरानी पोजीशन इनने सेल की क्लोज करी थी, ये वाली क्लोज करी थी और यहाँ पर इनने बाय करा था। इस तरीके से काम करता है। आई होप आप समझ गए होंगे। बस यार एक डाउनफॉल यही है कि जैसे मैंने एक्सचेंज लॉगिन करा अब इनकी API डिस्कनेक्ट हो गई। तो मेरे को अगर दोबारा से बॉट को स्टार्ट करना है तो फिर से मुझे इनकी API को कनेक्ट करना पड़ेगा, देन ये स्टार्ट होगी। जैसे एक्टिवेट करने के लिए दोबारा लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा यहाँ लॉगिन सक्सेसफुली आ गया। अगर मैं इनके चार्ट को इनके ट्रेडिंग टर्मिनल को रिफ्रेश करूँगा तो ये मेरा टर्मिनल जो टोकन था एक्सपायर कर दिया। तो ये इनकी तरफ से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पता नहीं इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे दे दी इन्होंने। और आई थिंक ये चीज़ को फिक्स कर दे, इन्होंने बस सेशन नहीं बना रखे। तो आप इन्हें मेल कर दीजिएगा जो भी सेंको पे काम करते हैं और इजीली दोनों चीज़ों को खोल के फिर ट्रेड कर पाओगे। पर अभी के लिए मैंने अल्टरनेटिव जो बना रखा है वो सेंको का ये टर्मिनल बना रखा है, इससे आप काम देख सकते हो कि आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत आती है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा।